हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं नूडल्स। इस नूडल्स को तो हर कोई खाना पसंद करता है, इसको हम हमेशा बाहर ही खा लेते हैं, लेकिन आज हम इसको घर में बनाएंगे, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए हम इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि रखेंगे हम थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए, उसको एक उबाल आने देनी है। तो यहाँ पानी को उबाल आ गई है, तो अब हम क्या करेंगे, उसमें ये वाला नूडल्स डाल लेंगे। इसको हक्का नूडल्स बोलते हैं। ये नूडल्स डाल देंगे इसमें हम, और इसको हम क्या करेंगे कि इस पानी में हम इसको अच्छे से पकाएंगे, मतलब कि अच्छे से इसको सॉफ्ट करेंगे। 5 मिनट में ये हो जाता है, तो इसको ऐसे डुबा दीजिए, ये अच्छे से अपने आप सारा खुल जाएगा ये। और 5 मिनट बाद देखेंगे हम कि ये अच्छे से पक गए हैं। आप देख सकते हो इसका पानी भी कम हो गया है। तो अब हम करेंगे गैस को बंद और इसे निकाल लेते हैं हम एक छन्नी में। इसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे ठंडा पानी। अच्छे से इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे हम। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए ठंडा पानी डाल के। ठंडा पानी डालने से क्या होता है कि ये एक दूसरे से चिपकता नहीं है और हमारा नूडल्स एकदम खिला खिला रह जाता है। तो यहाँ क्या करेंगे, एक रखेंगे पैन गैस पे, उसमें डालेंगे हम तेल। जैसे ही ये तेल गर्म हो जाएगा, हम उसमें डालेंगे सबसे पहले प्याज को। प्याज को हम अच्छे से थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा प्याज फ्राई होने के बाद हम डालेंगे उसमें लहसुन। लहसुन को मैंने ऐसे थोड़ा सा छोटे टुकड़ों में कट करके डाल दिया है इसमें। इसको भी भून लेंगे इसके साथ अच्छे से। तो यहाँ प्याज भून गया अच्छे से, हम डालेंगे अब इसमें थोड़ा सा वेजिटेबल। यहाँ लिया है मैंने बीन्स को छोटे टुकड़ों में कट करके, गाजर लिया है और शिमला मिर्च ली है। इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए प्याज में। यहाँ मैंने सारे वेजिटेबल्स को अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो अब हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, उसी के साथ डालेंगे हम नूडल्स मसाला। अब इन मसाले को हम इस वेजिटेबल में मिक्स करेंगे, इसे आधे मिनट के लिए इसमें फ्राई कर लेंगे। मसाले अब फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस 1 चम्मच, ग्रीन चिली सॉस 1 चम्मच, विनेगर डालेंगे 1 चम्मच। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे सॉस। आधी कटोरी लिया है मैंने यहाँ। अब इसको भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक, आपके स्वादानुसार आप इसमें नमक डाल दीजिए। तो यहाँ ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं, हमारा मसाला भी अच्छे से भून गया है। अब हम डालेंगे यहाँ हमारा नूडल्स। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे मसालों में, धीरे धीरे कीजिए ये। इसको मिक्स आराम से कीजिए, नहीं तो ये पूरा टूट जाएगा। तो इसको ऐसे भी आप कर सकते हो, अगर आपका पैन है तो ये भी आसान तरीके से मिक्स हो जाता है, नहीं तो आप ऐसे भी चम्मच से इसको मिक्स कर सकते हैं। इस तरीके से बढ़िया मिक्स हो जाता है ऐसे भी। गैस को हमें हाई रखना है। तो यहाँ हमारा नूडल्स को मिक्स करते रहते हुए ये बनके रेडी हो गया है। तो आप गैस को कर लेते हैं बंद और इसको कर लेते हैं सर्व। तो इसको कर लिया है मैंने एक प्लेट में सर्व। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है,
लग रहा है ना आपको कि मैं अभी इसको खा जाऊं? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। आप ऐसे बना के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको एक बार खाओगे तो आप बाहर का खाना भूल जाओगे। कुछ मुश्किल काम नहीं है, बस मैं जैसे वीडियो में बताई हूँ आप वैसे करिए, आपका नूडल्स एक नंबर ही बनेगा। तो आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।